फ्रेंड्स, आज क्लास 9 से हम आपको चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से पढ़ें। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। ओके, एक पेंसिल, सोचिए एक पेंसिल इमेजिन करिए। पेंसिल इस तरह की होती है, ये वुड वाला पार्ट जो हमें दिखता है और ये बीच में हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब इसका फिगर मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये जो मैं डॉटेड हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या भरा हुआ है, इसमें ग्रेफाइट, मतलब वो पेंसिल का लेड की बात चल रही है, ठीक है। जब मैं पेंसिल वर्ड यूज करूंगा तो ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल सेंटर से और बाहर तक के रेडियस की बात करूंगा, और जब मैं लेड की बात करूंगा तो मैं सेंटर से अंदर वाले सिलेंडर के रेडियस की बात करूंगा, मतलब छोटे आर की। तो ये पेंसिल की बात होगी तो आपको लेना कैपिटल आर, और जब मैं सिर्फ लेड वाले पाइप की बात करूंगा, मतलब लेड वाले हिस्से की बात करूंगा, तो रेडियस होगा छोटा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल, तो ध्यान रखना मैं कैपिटल आर निकालने की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। लेकिन दिया तो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पेंसिल जो कि आपको दिया हुआ है 7 mm। तो रेडियस क्या हो गया, मैं आउटर वाला जिसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, 7/2 mm। देख लेते हैं, यूनिट तो चेंज नहीं करनी, क्वेश्चन क्या था, हमें यूनिट चेंज बिल्कुल कर रहे हैं। सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसका आपको लेंथ, ठीक है। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर, मतलब क्या करें 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये लीजिए अब ये बन गया सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास आउटर रेडियस आ गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है हमसे, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल दे दिया, द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ओके, अब ग्रेफाइट मतलब अंदर वाले छोटे हाथ की बात करेंगे, लेकिन दिया तो ये भी डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट यह हुआ 1 mm। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्योंकि छोटा आर होगा 1/2 mm, mm को cm में चेंज कीजिए, डिवाइडेड बाय 10, ये लीजिए। तो आपके पास आउटर रेडियस है, आपके पास इनर रेडियस है। देखो फाइंड आउट क्या करना है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14, ओके, हाइट ऑफ द पेंसिल भी दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो फिर निकालना क्या है अपने को, हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ओके, वुड का वॉल्यूम क्या है, वुड का वॉल्यूम है पूरे पेंसिल का वॉल्यूम माइनस लेड वाला वॉल्यूम, और फिर लेड का वॉल्यूम भी। सबसे पहले लेड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लेड, वॉल्यूम ऑफ लेड देखो क्या होगा, ये जो बीच का शेडेड पोर्शन है सिर्फ इतना ही पेंसिल का नोक है, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं। तो ये अंदर का छोटा सिलेंडर पाई छोटा स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हो गया पाई छोटा मतलब 1/20/1/20 और इनटू एच, एच कितना है 14, रिसॉल्व करके आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हमारे पास आ गया ये वाले लेड का वॉल्यूम, अब कह रहा वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब वॉल्यूम ऑफ द वुड निकलेगा कैसे, देखो पहले पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लो जिसमें से इस लेड का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि आपको सिर्फ वुड वाला पोर्शन ही तो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरा पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ लेड जो ग्रेफाइट का लेड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ लेड जो हमने पहले निकाल के दिखा दिया 0.11, तो देखिए कितना आएगा पाई बड़ा स्क्वायर जो कि आपके पास 7/20 इंटू 7/20 और इंटू एच जो कि है आपका 14 माइनस का 0.11। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करके आ रहा है 5.39.11 माइनस हो जाएगा, तो 5.39 में से 0.11 माइनस कीजिए तो 8.25, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वुड। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।